أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم dear students today's our next word is heap ये list में 67 number पर है और हमने जब vocab को पढ़ रहे थे और जब मैं आपको vocab को समझा रहा था तो मैंने claim ये किया था कि vocab बहुत आसान है और वाकई बहुत आसान होती है इसके लिए मैंने आपको 6 टिप्स बताई थी आपको मैंने शेयर की थी वो 6 टिप्स अगर आपको जल्दी से याद हो तो मुझे जरा वो जल्दी जल्दी से उसको थोड़ा सा रिकॉल कर लें आपको याद होगा कि हमने कहा था कि ये देयर आर 6 इन नंबर वो 6 इन नंबर क्या था हमने कहा था कि वो एक जी है एक आर है एक ए है एक एस है और पी है और एक टी भी था ग्रास पी टी जी स्टैंड फॉर ग्रुपिंग आर स्टैंड फॉर रूट वर्ड ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन एस स्टैंड फॉर सेंटेंस मेकिंग पी स्टैंड फॉर पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टी स्टैंड फॉर टोन ऑफ द वर्ड ये 6 वर्ड्स ये 6 टेक्निक्स हैं ये इसको तीन तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया था मैंने पहला डिवाइड ये था कि जब कभी हमारे सामने कोई नया वर्ड आता है व्हेन एवर वी कम अक्रॉस अ न्यू वर्ड जब भी नया वर्ड हमारे सामने आएगा तो हमने क्या करना है उसको टोन देखनी है उसकी कि यार ये टोन पॉजिटिव है नेगेटिव है प्लेजेंट है अनप्लेजेंट है तो हमें उस वर्ड के बारे में कुछ आइडिया हो जाता है अगर हमें टोन के बारे में कोई भी आइडिया ना हो रहा हो तो हम क्या करते हैं उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानने की कोशिश करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से मुराद ये है कि उस वर्ड का वो क्या वो नाउन है क्या वो नाउन है क्या वो प्रोनाउन है क्या वो एडजेक्टिव है क्या वो वर्ब है तो उसका जानना आपके लिए जरूरी है तो वो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानने के लिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के लिए आपके पास एक टेक्निक है जिसको हम कहते हैं रूट वर्ड और रूट वर्ड से मुराद ये होता है कि हर वर्ड का के क्या प्रीफिक्स होता है उसके आगे सफिक्स लगा होता है तो उस मॉर्फोलॉजी के जरिए से आप वर्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच तक पहुँच सकते हैं तो ये तीन तरीके ऐसे हैं जिससे आप यू कैन कम टू नो अबाउट दी मीनिंग्स ऑफ अनफैमिलियर वर्ड्स अच्छा चले आपने किया कुछ ऐसा वर्ड आपके सामने जैसे हीप आपके सामने वर्ड आएगा तो टोन देखते ही आपको पता चल जाएगा जमगट्ठा किसी का ग्रो लगा हुआ ढेर लगा हुआ ना कूड़े का ढेर लगा होता है जैसे हम अक्सर देखते हैं तो ये तो किताबों का ढेर भी लगा होता है चीज़ों का ढेर भी लगा होता है ये तो वर्ड आसान होगा हमारे लिए लेकिन चले हीडियस का वर्ड देखते हैं हम इसमें मजीद टाइम ज़ाया नहीं करते अगर हम हीडियस का वर्ड देखें तो हमें नज़र आता है कि जो हीडियस का जो वर्ड है इसको चलें अगर आपको उसके मीनिंग नहीं आते हैं तो आप ऐसा करें कि थोड़ी देर के लिए इसको जरा पढ़ के देखें हीडियस तो आपको लगेगा अच्छा वर्ड है अनप्लेजेंट है या बुरा वर्ड है आपके जहन में कोई ना कोई इमेज जरूर आएगा उसके बाद देखें देखें इसके एंड में ना ओ यू एस लिखा हुआ है जिसके एंड में ओ यू एस लिखा होता है बेटा वो ज्यादातर क्या होते हैं एडजेक्टिव होते हैं चले हमें ओ यू एस ये जो सफिक्स है इसने बताया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता चल गया तो हमें पता चला कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव क्या होता है वो किसी की क्वालिटी बयान करता है तो हमें ये पता चल गया कि ये जो भी वर्ड है अगर ये नेगेटिव है तो ये कोई खूबी है या खामी है और किसी आदमी की हो सकती है किसी चीज़ की हो सकती है या कोई चीज़ जो है वो हीडियस हो सकती है तो वी कैन से दैट के वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग हीडियस तो यहाँ तक हमें आइडिया पता चल गया लेकिन बाज का जब हम सेंटेंस में इस्तेमाल हो रहा था तो हमें आइडिया लग जाता है कि यार इसका मतलब जो है ना वो नफरत अंगेज या बुरी चीज़ ऐसी हो सकती है सपोज आपको इसका कुछ नहीं पता चला लेकिन ये पता चला कि एडजेक्टिव है लेकिन मीनिंग तो नहीं पहुंचे घबराने वाली कोई बात नहीं है आपने डिक्शनरी से मीनिंग देख लिया चले कोई बात नहीं अब अपने मीनिंग जब देख लिया समझ आ गया आपको पता चला इसका मतलब अगली है रिपल्सिव है रेपेलेंट है ग्रूसम है ग्रोटेस्क है डिसगस्टिंग है ये आपको मतलब पता चल गया आपको अच्छा मतलब पता चल गया इसका आपको एंटोनिम भी पता चल गया कि अगर अगली रिपल्सिव बदसूरत है तो अट्रैक्टिव लाइकेबल प्लेजेंट वंडरफुल चार्मिंग इसका एंटोनिम होगा ये भी पता चल गया अब आपको अच्छा अब तीसरे जो तीन पॉइंट हैं जो नेक्स्ट रिमेनिंग तीन पॉइंट है ये क्या कहते हैं ये आपको कहते हैं कि अब आपने इन मीनिंग्स को जहन में कैसे रखना है तो बेटा सबसे पहला पॉइंट एसोसिएशन का जितनी जल्दी आप एसोसिएट करोगे इस हीडियस को अपने उन चीज़ों के साथ जो आप डेली रोज़मर्रा जो चीज़ें ज़िंदगी में आप इस्तेमाल करते रहते हो मतलब आपने कुछ चेहरा देखा जिसको आपको देख के कराहत आती तो आप कह सकते हो हीडियस फेस हीडियस पर्सन हीडियस पर्सनैलिटी उस बंदे को जहन में लें वैसे तो किसी बंदे से नफरत नहीं करना चाहिए आपको लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं हीडियस होते हैं इसराइली ज्यूज जो भी आप जिस अंदाज से कह सकते हैं उसको आप जो है वो कर लें ठीक है तो हीनियस अपॉलिंग हीनियस भी उसका मतलब आ सकता है अपॉलिंग भी उसका मतलब आ सकता है सारे उसके मीनिंग हो बेटा जितनी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन मेंटली आपकी बनेगी ना उतना ही स्ट्रॉन्ग ये वर्ड आपके जहन में रह जाएगा जब आपने एसोसिएशन बना ली तो एसोसिएशन के साथ फौरी तौर पर क्या करें उसका सेंटेंस बनाएं
सेंटेंस मेकिंग जितनी अच्छी आपकी, जितनी अच्छी ग्रामर होगी उतनी अच्छा आपका सेंटेंस मेकिंग होगी। तो जितना अच्छा आप सेंटेंस बना लेंगे, जितना अच्छा सेंटेंस बनेगा, जितनी अच्छी एसोसिएशन होगी, उतनी देर तक वो वर्ड आपके जहन में रहेगा। अब आपने अगला काम ये करना है कि वो जो आपने सेंटेंस बनाया है उसको डेली लाइफ के अंदर यूज करना है और उसको जो है ना वो शेयर करें उसके साथ, यूज करें बिलीव यू मी कि ये वर्ड कभी भी आपकी जो है ना वो मेमोरी से दूर नहीं होगा। वेन एवर यू वॉन्ट टू यूज दिस वर्ड आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट रह गया ग्रुपिंग का। ग्रुपिंग का मतलब ये होता है कि उससे मिलते जुलते वर्ड, जैसे आपको अगले जो सिनोनिम वर्ड है, आपको अगली है, रिपल्सिव है, रेपलेंट है, ग्रूसम है, ग्रोटेस्क है, जहाँ कहीं आपको ये वर्ड मिले, अपॉलिंग का वर्ड आपको मिला, जो है ना शॉकिंग का वर्ड आपको मिला, ग्रोटेस्क, अगली, वाइल, रिपगनेंट, ये वाले वर्ड जब मिलते हैं आपने, यार ये वर्ड मैंने ना उससे वो पड़ा हुआ है, उसके साथ मिलता जुलता वर्ड है, चलो यार मैं एक जगह पे इसको इकट्ठा कर लेता हूँ, वो जो एक जैसे मिलते जुलते वर्ड इकट्ठे कर देने का नाम सिनोनिम होता है, तो वो ही आपकी ग्रुपिंग बन जाती है। दिस इज द बेस्ट वे टू कीप द वर्ड्स फॉर इन योर माइंड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये बेटर ये आपने इसको साथ साथ जो लेके चलना है। तो हीडियस हो गया, इसका मतलब बेटर, अब आप देखें जल्दी से, ये आपने खुद करना है कि कौन सी चीज आपके लिए हीडियस है, ठीक है ना। किसी का चेहरा हीडियस होता है, किसी की कंपनी हीडियस होती है, किसी का कोई प्लेस हीडियस होती है, तो वो आप जितनी जल्दी कर लें। तो आर यू वेयरिंग दोस हीडियस ग्लासेस, देखें हीडियस ग्लासेस टू हाइड योर डायलेटेड प्यूपल और समथिंग, तो ये आपका सन्नस बन जाएगा आपका। इसके अलावा ये हैबिटेट का मतलब होता है नेचुरल और होम और इन्वायरमेंट और एनिमल, प्लांट और अदर ऑर्गेनिज्म को हम हैबिटेट कहते हैं, वो जगह जहाँ रहते हैं, ठीक है ना। आवर हाउसेज आर हैबिटेट, और फिश के लिए जो जो एक्वेरियम है वो हैबिटेट होता है, तो लोकेल है, इन्वायरमेंट है, टेरिटरी है, हैबिटेशन है, और ये हॉन्ट है, ये आपके सारे जो है मीनिंग हो जाएंगे। तो द प्लेस इज नेचुरल हैबिटेट फॉर 15 एंडेमिक प्लांट्स बेयरिंग द माउंटेन्स नेम। इसके बाद बेटा जी लफ्स हैगर्ड है, देखें हमने ग्रोगी का वर्ड पढ़ा है यहाँ पे 66 में, ग्रोगी, ये इसका मतलब भी जो है ना वीक आंसर, ये कमजोर कहते हैं, डेज्ड, बिफल्ड, मर्डर्ड और बिविल्डर्ड और स्नब, ये स्टैगरिंग के मानों में, तो ये भी वीक होता है, ये भी वीक है, ठीक है ना। लेकिन ये जो लफ्ज है, जो लफ्ज हैगर्ड, ये भी वीक है, लेकिन ये लुकिंग एग्जॉस्टेड एंड अनवेल, ये थकावट की वजह से, वो किसी वैसे दिमाग का माउफ हो जाने को ग्रॉगी कहते हैं, ये थकावट की वजह से हैगर्ड हो जाता है, ठीक है ना। तो केयरवॉर्न, टायर्ड, ड्रेन, ड्रॉन, अब आप कहने यार जब आप दफ्तर से थक कर आते हैं तो क्या क्या हुए होते हैं, आई एम हैगर्ड, ठीक है, एडजेक्टिव है, हैगर्ड, एडी से खत्म होने वाले वर्ड आमतौर पर जो एडजेक्टिव होते हैं, ही वॉज हैगर्ड, ही वॉज टायर्ड, तो फिर इसको ना भी एसोसिएट करें, इसकी ग्रुपिंग करें, और फिर आप इसको ना भी मजीद बनाते हैं, जैसे हिज फादर रैन अ हैंड ओवर हिज फेस स्लाइटली हैगर्ड इन हिज वरी फॉर हिज सन, तो हिज फादर रैन अ हैंड ओवर हिज फेस स्लाइटली हैगर्ड इन हिज वरी फॉर हिज सन, अपने जो थके हुए बच्चे के लिए उसने सर के ऊपर हाथ फेरा। तो इस तरह से नेक्स्ट बड़ा नफ्स हैपहेजर्डली है, आप देखें बेतरतीब, आप इसकी पिक्चर देखें तो आपको आइडिया हो जाएगा कितनी बेहंगम और बेतरतीब जो है वो ड्राइविंग है, उसको हम जो है वो हैपहेजर्ड कहते हैं, एमलेसली, केयरलेसली, आपकी जिंदगी में भी कोई मंजिल नहीं है, तो आप भी योर लाइफ, योर पासिंग योर लाइफ हैपहेजर्डली, एडवर्ब है तो वर्ब के साथ आएगा, आई एम रनिंग हैपहेजर्डली, आई एम मूविंग हैपहेजर्डली, द इंग्रेडिएंट्स आरंट हैपहेजर्डली थ्रोन एंड यू बेक, ऐसी चीजें फेंक देना, जैसे आप थके हुए घर में आते हैं, यू यू केम होम हैगर्डली एंड यू थ्रो द थिंग्स हैपहेजर्डली, देखिए कैसे सेंटेंस बन रहा है आपका। तो दिस इस तरह से आप चीजों को जो है ना वो लिंक करके तो वर्ड्स को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा जी आपके पास वर्ड है हार्मनी, हार्मनी, ये वो जो अभी ऊपर आपने जो वर्ड पढ़ा, ये जो वर्ड आपने पढ़ा हैपहेजर्डली, उसका उल्ट जो है वो क्या है, हार्मनी का वर्ड है, चीजें एक तरतीब के साथ रखी होती हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ सिमल्टेनियसली साउंडेड म्यूजिकल नोट्स टू प्रोड्यूस अ प्लीजिंग इफेक्ट, ये इसका नाउन है, और द स्टेट ऑफ बीइंग इन एग्रीमेंट और कंकर्ड जो है, ये हार्मनी, ये हमारा ऑर्डर है, बैलेंस है, सिमेट्री है, ऑर्गेनाइज है। कुछ लोगों को बहुत हार्मनी में, ऑर्डर में, अक्रीड में रहने का जो है ना बहुत ज्यादा शौक होता है, वो चीज़ों को बड़ी तरतीब के साथ रखते हैं, जैसे आपकी आर्मी है, फौज है, ये सारी हार्मनी में रहती है, बैलेंस है, सिमेट्री है, और वो कोई याद है चिप्स कहता था कि सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, तो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन मीन्स हार्मनी, थिंग्स शुड बी इन हार्मनी, तो इस तरह से डिस्कॉर्ड है, द कोरस सैंग इन हिज इयर्स इन फाइनल हार्मनी, तो हार्मनी को बड़ा जितना जितना एसोसिएट कर लेंगे अपने माइंड के साथ उतनी चीजें आपको आसान हो जाएंगी। इसके बाद बड़ा जी हॉटी है, हॉटी का मतलब बिहेविंग इन अ प्राउड और अनफ्रेंडली वे को कहते हैं हॉटी, और एरोगेंट कहते हैं, कंसीटेड एंड स्नोबिश, कितने बेटर ही आपके दोस्त आगे पीछे जरा फैमिली में देखें ना, वो आपको बहुत हॉटीली देखते हैं, दे बिकॉज दे आर हॉटी इन मैनर्स, हॉटी इन एक्शन, तो एरोगेंट होते हैं, कंसीटेड होते हैं, स्नोबिश होते हैं, स्कॉर्नफुल होते हैं, इगोइस्टिक होते हैं, इंपीरियस होते हैं,
तो शी थ्रू हिम अ लुक ऑफ हॉटी डिसडेन, नफरत। अब डिसडेन का मतलब आपको याद होगा, वो हमने पढ़ा था पीछे, कंडिसेंडिंग आपको याद होगा, तो कंडिसेंडिंग, हॉटी, डिसडेन, और ये एरोगेंट, और ये सुपीरियोरिटी, और कंसीटेड, अपने आप को बड़ा समझना, और पैट्रोनाइजिंग वर्ड याद आए, ग्रुपिंग के साथ आपके वर्ड आना शुरू हो जाएंगे बेटा। जितनी एसोसिएशन स्ट्रांग है उतने वर्ड आपके क्लियर हो जाएंगे। अगर कंडिसेंडिंग आपको वर्ड याद था, एरोगेंट का वर्ड याद था, स्नोबिश का वर्ड याद था, तो ये आपको हॉटी का वर्ड भी आपको याद होगा। इसको अरेंज करें फौरी तौर पे, हाउ मेनी पीपल इन योर लाइफ आर वेरी मच हॉटी, हॉटी पीपल एडजेक्टिव है, ठीक है ना? तो यू नो हॉटी एटीट्यूड, हॉटी ग्लांस, और ये सारे आपको इस अंदाज से वर्ड याद हो जाएंगे, ठीक है। लिमिटेड इसके बाद हैविक वर्ड है, हैविक का मतलब तबाही बर्बादी होता है, जैसे बैरूत के अंदर बेटा तबाही करके रख दी उसने, उसका जो एक्सप्लोजन हुआ, तो है सिचुएशन इन विच देयर इज लॉट ऑफ डैमेज, डिस्ट्रक्शन एंड कंफ्यूजन, तो केओस कहते हैं, क्लैमिटी कहते हैं। बेटा जल्दी से देखें आपका कमरा हैविक में पड़ा होगा, कई बच्चे ऐसे होते हैं किताबें यूं बिखेरते हैं, अगर जब किताबें बिखेरते हैं तो हैविक में होगा, डिसऑर्डरली होगा। हमने वो पढ़ा वर्ड जो हैपहेजर्डली का वर्ड भी आपने पढ़ा होगा, तो हैपहेजर्डली, डिसऑर्डरली, हैविक, केओस, क्लैमिटी, केटास, तबाही बर्बादी। बेटा जब जो बेहद जो आपकी जो डिसऑर्डरनेस होता है ना, वो भी दो तरह का होता है, तो इस तरह की चीजें, गरीब बात है, आप मुझे बता रहे हो कि हाँ ठीक कह रहे हो। तो हैवी का मतलब क्या, क्लैमिटी के ट्रॉस्ट डिसऑर्डर।